हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंगर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक के लिए एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पार्ट वन में आपके लिए 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उसी प्रकार से दोस्तों आज हम इस क्लास में आपके लिए 50+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एल्बो का मुख्य प्रयोग होता है। तो दोस्तों एल्बो का जो मुख्य प्रयोग होता है वो क्या होता है, आप लोग आंसर करके बताइए। क्या आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? दोस्तों आंसर होगा डी, पाइपलाइन को 90 डिग्री में से एक ओर मोड़ने के लिए एल्बो का मेन वर्क होता है। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट ट्रीटमेंट का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट का क्या अभिप्राय मतलब क्या होता है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करना ही आपका हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। बेंच वाइस के जबड़े बनते हैं, दोस्तों जो बेंच वाइस के जॉ होते हैं वो किसके बनते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है माइल्ड स्टील से, कठोर स्टील से, हाई स्पीड स्टील से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बेंच वाइस के जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो आपके हार्ड स्टील से बनते हैं, यानी क्या डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठोर स्टील से। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठोर स्टील से आपके बेंच वाइस के जबड़े बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है आपको बताना है, रिंग गेज, डिवाइडर, ट्रैमल या बेंट स्क्राइबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ठीक है दोस्तों, बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए ट्रैमल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होता है यानी कोण होता है कितना होता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करके जल्दी से बताइए आप भी। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, 10 डिग्री होता है ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोराइजिंग कितने डिग्री ताप पर की जाती है? ठीक है, तो आंसर करके बताइए कितने डिग्री टेम्परेचर पे कार्बोराइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, कार्बोराइजिंग कितने टेम्परेचर पे की जाती है इस क्वेश्चन का? दोस्तों आपका आंसर होगा सी, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी कार्बोराइजिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट है। तो दोस्तों लीस्ट काउंट कितनी है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की? आपके ऑप्शन आपके सामने है, 5 डिग्री, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड या 0.01 मिलीमीटर। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आपका आंसर होगा बी, 5 सेकेंड। ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट आपकी 5 सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर करके बताइए, मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किसको मापता है, किसको नापता है? आपके ऑप्शन है वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मल्टीमीटर जो होता है वो सभी चीजों को मापता है, आपके वोल्टेज को भी मापता है, धारा को भी मापता है यानी करंट को भी मेजर करता है, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है आपका मल्टीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है यानी एंगल कितना होता है एक्मे थ्रेड का? आपके ऑप्शन है 45, 29, 90 या 60, 45, 29, 90 या 60। तो फ्रेंड्स जो एक्मे थ्रेड बनती है, एक्मे थ्रेड चूड़ी होती है, वो उसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है यानी 29 डिग्री, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीमीटर का मीटर किस पर कार्य करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी तथा डीसी दोनों पर या अर्ध तरंग परिशोषित एसी पर। तो दोस्तों जो मल्टीमीटर का मीटर होता है वो आपका किस पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम करता है यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीसी सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी, एक प्रत्यागामी कंप्रेसर में वायु को किस दाब तक संपीड़ित किया जा सकता है? आपकी ऑप्शन है 10, 100, 500 या 1000। तो दोस्तों एक प्रत्यागामी कंप्रेसर यानी जो रेसिप्रोकेटिंग आपका कंप्रेसर होता है
उसमें एयर को किस प्रेशर पर क्या किया जा सकता है, आपका कंप्रेस किया जा सकता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर करना है। तो आप बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, आपका आंसर होगा D 1000। ठीक है, 1000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैसोलीन इंजन के लिए रासायनिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात है कितना है दोस्तों, आपको आंसर करके बताना है। आपके ऑप्शन है 5:1, 10:1, 15:12 या 20:1। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, एक गैसोलीन इंजन के लिए वायु और ईंधन का अनुपात कितना होना चाहिए, 15:12:1 यानी 15:12:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शीतलन तंत्र में यानी कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट जल का बहाव नहीं होने देता जब जल का तापमान जो टेम्परेचर होता है वो इससे नीचे हो जाता है। आपको ऑप्शन में बताना है कि जल का बहाव तब नहीं होने देता कि अगर उसका टेम्परेचर इससे नीचे है। आपके ऑप्शन है 90 सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 120 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, अगर 70 डिग्री से दोस्तों टेम्परेचर कम है तो जो थर्मोस्टेट होता है वो जल का बहाव नहीं होने देता एक कूलिंग सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटरी कंप्रेसर द्रवों को कहाँ तक संपीड़ित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कहाँ तक संपीड़ित करने के लिए प्रयोग किया जाता है रोटरी कंप्रेसर द्रवों को, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए 10 तक। ठीक है, 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक कंप्रेस करने के लिए रोटरी कंप्रेसर द्रवों का यूज किया जाता है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग की जाती है। तो दोस्तों किस धातु के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग यूज की जाती है, जो लो कार्बन स्टील होती है उसकी सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग की जाती है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोण यानी एंगल रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी क्लासेस में कराए गए हैं, जहां पर हम लोग ड्रिल पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको ड्रिल एंगल भी बताया था। तो दोस्तों कौन सा एंगल होता है, आप लोग आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, लिप क्लियरेंस एंगल जो रहता है वो रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है, लिप क्लियरेंस एंगल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक मैन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 सेकंड तक होता है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर और यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर दोनों ही है, तो यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड होना चाहिए कितनी होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ड्रिलिंग स्पीड का 1/4, ड्रिलिंग स्पीड का 1/3, ड्रिलिंग स्पीड की आधी या ड्रिलिंग स्पीड के बराबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, ड्रिलिंग स्पीड की 1/3 मतलब 1/3 होना चाहिए रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुली से विभिन्न स्पीडें प्राप्त की जा सकती हैं। आपके ऑप्शन है जॉकी पुली, सॉलिड पुली, स्प्लिट पुली या स्टैंड पुली। तो दोस्तों किस पुली से कई टाइप की आप स्पीडें फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा डी, स्टैंड पुली से। ठीक है, स्टैंड पुली से कई टाइप की आप स्पीडें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेजिंग की जाती है कितना टेम्परेचर पर की जाती है। आपके ऑप्शन है 1250 सेंटीग्रेड पर, 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर या 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। तो दोस्तों ब्रेजिंग जो की जाती है वो आपकी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर की जाती है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू थ्रेड का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों बिना धातु को हटाए जो विधि यूज की जाती है स्क्रू थ्रेड का उत्पादन करने के लिए उसका आपका नाम है सी, थ्रेड रोलिंग। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, थ्रेड रोलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुण के द्वारा धातु को सीट के रूप में रोलिंग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या टेनेसिटी। तो दोस्तों उसका जो आपको प्रॉपर्टी बताना है उसमें सीट के रूप में रोल किया जाता है, तो क्या आंसर होगा, आप लोग आंसर करके बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, मेलेबिलिटी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल
करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है फ्यूजिबिलिटी, मेलिबिलिटी, टेनसिटी या फिर प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आप आंसर करके बताइए कौन सा गुण आवश्यक होता है इस क्वेश्चन का। आपका आंसर है ए, फ्यूजिबिलिटी काफी आवश्यक गुण होता है इसके लिए। ठीक है, जो चारों आपके प्रोसेस हैं उनको करने के लिए ये वाला आपका गुण होना चाहिए इन सारे मेटल्स में। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि माइक्रोमीटर की मेजरिंग फेस आपस में संपर्क हो और थिम्बल का जीरो डेटम लाइन की सीध में हो तो कौन सी त्रुटि होगी, कौन सी त्रुटि होगी? आपके ऑप्शन है जीरो त्रुटि, पॉजिटिव त्रुटि, नेगेटिव त्रुटि या कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा डी, कोई त्रुटि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक, ये इस नंबर को चेक करना है आपको, सॉफ्ट को चेक करने के लिए स्नेप गेज को बनाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था किस तरह से आप रीड करते हैं और किस प्रोसेस में, मैंने आपको ये भी बताया था जब हम लोग ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग वगैरह पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसे फिनिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों कौन सी विधि यूज करते हैं इसको फिनिश करने के लिए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर करके बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, लेपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, लेपिंग का यूज करते हैं इस विधि को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइल्ड स्टील पर हेक्साइन करने के लिए ब्लेड के दांतों का पिच होना चाहिए, कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1.8 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.8 मिलीमीटर। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, 1.4 मिलीमीटर दांतों का पिच होना चाहिए माइल्ड स्टील पर हेक्साइन करने के लिए। ठीक है, जो ब्लेड के दांते होना चाहिए उनकी जो पिच होती है वो 1.4 मिलीमीटर तक के होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सेंटर होता है वो किस मेटल का बना होता है, किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन है कास्ट आयरन, आयरन, कॉपर या हार्डेड कार्बन स्टील। तो दोस्तों जो सेंटर होता है वो आपका हार्डेड कार्बन स्टील से बना होता है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेंट्स के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? तो दोस्तों कौन से प्रकार हैं, आपके ऑप्शन है तरल, पेस्ट, ठोस मिश्रित या इनमें सभी सतह। जब दोस्तों लुब्रिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था तरल भी होता है, पेस्ट भी होता है, ठोस मिश्रित भी, ये सभी आपके लुब्रिकेंट के प्रकार हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी सतह, यानी बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन बार का आकार बना होता है, दोस्तों जो साइन बार होते हैं आपके उनका आकार क्या होता है आपको बताना है, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है साइन बार का शेप, तो दोस्तों साइन बार का जो शेप होता है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप होता है, यानी आयताकार होगा इसका आंसर। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरफेस गेज का क्या कार्य है? तो दोस्तों सरफेस गेज का क्या कार्य है आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना, जॉब की रंग ज्ञात करना, जॉब का बराबर मान ज्ञात करना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सरफेस गेज होता है उसका जो वर्क होता है, जो जॉब की जो ऊंचाई होती है, हाइट, उसको फाइंड करना होता है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरफेस गेज का मेन वर्क जो है वो जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रिल में लिप्स क्लियरेंस एंगल कितना होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था लिप्स क्लियरेंस एंगल कितना होता है ड्रिल में। ठीक है, तो आप बताइए अब। ठीक है, आपके ऑप्शन है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 8 से 12 डिग्री या फिर आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री। क्या आंसर होगा, ड्रिल में लिप्स क्लियरेंस एंगल बताना है आपको, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, 8 से 12 डिग्री। ठीक है, लिप्स क्लियरेंस एंगल होता है ड्रिल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबल कट दांते कितने डिग्री पर होते हैं? कितने डिग्री पर होते हैं डबल कट टूथ? तो आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोस्तों डबल कट जो टूथ होते हैं वो आपके 70 डिग्री पे होते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कास्ट आयरन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं कास्ट आयरन में? आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, गंधक, फॉस्फोरस या उपयुक्त सभी, यानी सिलिकॉन होती है, सल्फर होती है, फॉस्फोरस होता है, ये सारी होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, ये सारी होती है, यानी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन में ये सारी इंप्योरिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रफ फाइल रेती में कितने दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? कितने दांते होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर में? आपके ऑप्शन है 10 से 15, 8 से 10, 5 से 10 या 15 से 20, जल्दी से आंसर करके बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी,
आठ से दस दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं, रफ फाइल रेती में आपकी, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में नॉन प्रेशर वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सारी ये जो दिख रहे हैं वो आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, चाहे आपकी आर्क वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो या फिर थर्मेट वेल्डिंग हो, ये सभी आपकी नॉन प्रेशर वेल्डिंग में आती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? दोस्तों वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल का बढ़िया कॉमन यूज होता है, तो आपको बताना है किसमें, किस प्रकार की वेल्डिंग में जो फिलर मेटल होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में, फ्यूजन वेल्डिंग में, ए व बी दोनों में या इनमें से सब कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसमें का? दोस्तों जो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग होती है उसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां पर मेटल दोनों अपने आप को मेल्ट करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कास्ट आयरन का कौन बना होता है? कौन बना होता है? मूवेबल जो बना होता है, फिक्स जो बना होता है, ए बात बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बेंच वाइज जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको वॉइस बताई थी, जो एक में उसमें होता है मूवेबल जो और एक होता है फिक्स जो, तो आपको बताना है जो उसका मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ प्रोडक्ट होता है, वो किसका बना होता है आपका जो जो रहता है, ठीक है, ये बताना है कास्ट आयरन का कौन सा बना होता है, मूवेबल जो बना रहता है, फिक्स जो बना रहता है, तो क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, ए बा बी दोनों, यानी मूवेबल जो भी बना रहता है और फिक्स जो भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर करने की भी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी, प्लायर का क्या कार्य है? प्लायर का क्या कार्य है आपको ये बताना है। ठीक है, हैंड टूल से मैंने आपको पढ़ाया था प्लायर का यूज क्या होता है। आपके ऑप्शन है ये किसी भी चीज को पकड़ने का काम आता है, इससे सुराग बनता है, ए बा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो वर्क है वो ये किसी भी चीज को पकड़ने के काम आता है आपका प्लायर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स कितना होता है? आपके ऑप्शन है एक ड्राई सेल का आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 0.5 वोल्ट, 10 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आप आंसर करके बताइए, एक ड्राई सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, 1.5 वोल्ट, एक ड्राई सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, की कितने प्रकार की होती है? दोस्तों जो कुंजी होती है वो कितने प्रकार की होती है आपसे ये पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका, की कितने प्रकार की होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, 6 प्रकार की आपकी की होती है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बेल ड्राइव का नाम है? क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फ्लैट बेल ड्राइव, वी बेल ड्राइव, राउंड बेल ड्राइव या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या आंसर होगा, कौन सा बेल ड्राइव का नाम है आपको जल्दी से बताना है, क्या आंसर होगा? दोस्तों ये सभी आपके बेल ड्राइव के नाम है, फ्लैट बेल ड्राइव, वी बेल ड्राइव और राउंड बेल ड्राइव, ये सभी आपके बेल ड्राइव के नाम है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरण जल इंजेक्टर किससे संचालित होता है? किससे संचालित होता है? आपके ऑप्शन है विद्युत मोटर, भाप इंजन यानी स्टीम इंजन, भाप टर्बाइन यानी स्टीम टर्बाइन या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो भरण जल इंजेक्टर जिससे संचालित होता है वो इन तीनों से होता है, यानी विद्युत मोटर से भी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से भी होता है, स्टीम इंजन से भी होता है और स्टीम टरबाइन से भी आपका भरण जल इंजेक्टर संचालित होता है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी से संचालित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंका शहर बॉयलर में फ्लू नलिकाओं की संख्या होती है? तो दोस्तों लंका शहर बॉयलर में जो फ्लू नलिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, जल्दी से आंसर करके बताइए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, 2 होती है। ठीक है, फ्लू नलिकाओं की जो संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोजल के कंठ पर दाब कहलाता है, कौन सा दाब कहलाता है? नोजल के जो कंठ रहता है उस पर दाब कौन सा कहलाता है? आपके ऑप्शन है क्रांतिक दाब, निरपेश दाब, मेज दाब या प्रेस दाब। तो दोस्तों नोजल के जो कंठ पर दाब कहलाता है वो आपका क्रांतिक दाब कहलाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसमें पिघलाकर कच्चे लोहे को ढलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शन है बात्या भट्टी में, क्यूपोला में, बेसमर भट्टी में, या फिर ओपन हीट फर्नेस में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है क्यूपोला में ये वर्क किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बाइड टूल में एक भाग टंगस्टन कार्बाइड होता है और दूसरा भाग होता है, तो दोस्तों दूसरा भाग क्या होता है? आपके ऑप्शन है वेनेडियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर कोबाल्ट। तो दोस्तों कार्बाइड टूल में एक भाग जो टंगस्टन होता है, तो दूसरा जो होता है उसका नाम है दोस्तों कोबाल्ट। ठीक है, कार्बाइड टूल में जो एक पार्ट तो आपका टंगस्टन कार्बाइड होता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है वो कोबाल्ट होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरेमिक औजारों के लिए मूल पदार्थ है कौन सा? मूल पदार्थ है आपके ऑप्शन है कोबाल्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टंगस्टन कार्बाइड, या फिर वेनेडियम। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सिरेमिक औजारों के लिए जो मूल पदार्थ है वो आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टूल की क्रेटर घिसाई किसके कारण होती है? किसकी कारण होती है आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है टूल को वर्क पीस पर रगड़ने से, चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा, शीतलक की रासायनिक क्रिया द्वारा, या फिर कटिंग के समय अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से। तो दोस्तों टूल की जो टूल रहता है उसकी क्रेटर घिसाई का जो कारण है वो आपका आंसर होगा इसका बी, चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूट या कॉर्गेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो दोस्तों कौन सी विधि यूज की जाती है? आपके ऑप्शन है कॉइनिंग, क्रिम्पिंग, स्टैम्पिंग, या फिर हॉर्निंग। तो दोस्तों जो आपकी विधि यूज की जाती है फ्लूट या कॉर्गेशन जनरेट करने के लिए, उसका नाम है क्रिम्पिंग। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियर्सिंग ऑपरेशन का विशेष रूप जिससे में सारा कंटूर नहीं काटा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ब्लैंकिंग, पंचिंग, लेंसिंग, या नोचिंग। तो दोस्तों जो प्रोसेस कहलाता है जिसमें जो आपका पियर्सिंग ऑपरेशन है जिसमें सारा कंटूर नहीं काटा जाता, तो दोस्तों वो जो प्रोसेस होता है उसका नाम है लेंसिंग, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट आ रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।